एवरीबॉडी, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, उसकी एसआई यूनिट्स, क्वांटिटी कैसी हैं, ये सब डिस्कस किया। आज हम यहाँ एक नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई, करंट फ्लो किससे होगी? सर्किट से ही फ्लो होगी। तो सर्किट होती क्या है, किससे किससे मिलकर बनी होती है सर्किट, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन होती है, एनी सर्किट कैन बी नोन एज, एनी सर्किट कैन बी नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ इट इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिफिनेशन इसकी यह होती है कि कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट हो सकती है अगर वो किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से, ठीक है। अब यहां बात आती है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के नेम हैं और उसके सिंबल्स हैं, चलिए देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ठीक है, पहला लिखिए इलेक्ट्रिक सेल। ये कैसा होता है? ऐसा, ठीक। बड़े वाले की टर्मिनल को पॉजिटिव, छोटे वाले को निगेटिव बोलते हैं। दूसरा है बैटरी। क्या है? बैटरी है। बैटरी कैसी होती है? ठीक, प्लस माइनस, ठीक। उसके बाद है प्लग की। तीसरा है प्लग की, मतलब की, बटन की। यहां पर दो टाइप्स की होते हैं, एक ओपन की और एक क्लोज की। तो ये है ओपन की, ठीक है। ये कौन सी की है? ओपन की। और ऐसी की जिसमें बीच में बिंदी रहे, वो क्या होता है? क्लोज की। ये क्या है? क्लोज की, ठीक। इतना समझ आ गया। उसके बाद एमीटर है, फोर्थ है एमीटर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ऐसे एक रहता है, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। ये क्या है? एमीटर है। उसके बाद वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर है, ठीक। इसको भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को भी, ठीक। ऐसे गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे करेंगे डिनोट, यहां पर जी लिख देंगे बस, ठीक है ना। तो अमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर की लगभग लगभग मिलती ही रहती हैं, ठीक है ना, सिंबल्स। क्योंकि अमीटर ए से स्टार्ट होता है इसलिए ए बीच में लिखते हैं, वोल्ट मीटर वी से स्टार्ट होता है इसलिए वी लिखते हैं, और गैल्वेनोमीटर जी से स्टार्ट होता है इसलिए जी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि रजिस्टर, ठीक, क्या है छठवां? रजिस्टर। रजिस्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब वही रजिस्टेंस, ठीक है। फिर वेरिएबल रजिस्टर होता है एक, क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर। सेवेंथ क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे, करिए, फिर एक एरो खींच दीजिए बीच से। एक होता है रिहोस्टेट, क्या होता है? रिहोस्टेट, एट्थ वाला, RHEOSTAT, रिहोस्टेट। इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे एक बनाइए रेजिस्टेंस और एक ऐसे एरो यहाँ पे इस पे ला के रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रिहोस्टेट, ठीक है। ये क्या है? रिहोस्टेट बता रहा है, ठीक है ना। तो यही सारे जो है सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अब आइए हम इन सिंबल्स, ठीक, तो अब आइए हम जो है इन सिंबल्स से मिलाकर एक क्या बनाएंगे? सर्किट बना, ठीक है। तो आइए जो है एक हम सर्किट बना के थी, इन्हें जो मतलब अभी तक सिंबल पढ़े
वही सिंबल बन सिंबल से ना एक सर्किट बना के देखते हैं। चलिए ठीक, यहाँ एक लगा दिए, इलेक्ट्रिकल सेल है, यहाँ प्लग की लगा दिए, क्लोज प्लग की है, ठीक है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक, उसके बाद इधर से आए हम यहाँ अमीटर लगा दिए। और एक चीज़, अमीटर जो होता है हमेशा वो किस में लगता है, सीरीज, सॉरी हाँ सीरीज में लगता है, ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है, अभी सीरीज पैरेलल जो है हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक, वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिए पैरेलल में, ठीक, तो ये क्या बन गई हमारी, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गई। क्यों भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि ये जो सर्किट बनी है ये जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी है, और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एनी सर्किट कैन बी नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कोई भी सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से बनी है तो, और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनी है तो इसलिए क्या हो गई हमारी ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। उसके बाद देखिए ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो सर्किट, दो दो टाइप के सर्किट, जैसे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जब की के बीच में बिंदी रहेगी तो इसे क्लोज सर्किट बोला जाएगा, मतलब जब सर्किट से करंट पास होगी तो उसे क्लोज सर्किट, और जब सर्किट से कोई करंट पास नहीं होगी तो उसे ओपन सर्किट बोलेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट, कॉल्ड ओपन सर्किट, एंड क्लोज सर्किट। व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट कॉल्ड ओपन सर्किट, सॉरी व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट कॉल्ड क्लोज सर्किट, ठीक है ना, ये यहाँ क्लोज सर्किट होगा, ठीक है, और व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट कॉल्ड ओपन सर्किट, ठीक है, जब कोई करंट नहीं पास होगी तो क्लो ओपन सर्किट होगी, और जब कोई करंट पास हो रही होगी या फिर करंट पास हो रही हो तो क्लोज सर्किट होगी, ठीक है। तो ये हमने जो सर्किट बनाई ये कैसी सर्किट बनाई है, ये है क्लोज सर्किट, ठीक है ना, ये क्या है क्लोज सर्किट, क्योंकि इसमें करंट पास हो रही है, लेकिन अभी इसमें से यही बिंदी हटा दे तो ये क्या हो जाएगी ओपन सर्किट हो जाएगी, ठीक है। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल सेल है, ये क्या है रिहोस्टेट है, ठीक, इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, इसमें पहला लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो है वोल्ट मीटर के द्वारा जो है थ्रू मेजर किया जाएगा दो टर्मिनल्स के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी वोल्टेज, वोल्टेज जो होगा वो किसी भी पॉइंट्स के बीच में जो है, मतलब जैसे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके बीच में क्या वोल्टेज है, मान लो वी वोल्टेज है, तो ये जो वी वोल्टेज है ये किसके द्वारा मेजर किया जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। इसी तरह करंट जो है मेजर किया, इसके करंट जो है मेजर किया जाएगा, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक, जो करंट मेजर किया जाएगा उस किसके द्वारा किया जाएगा
एमीटर के द्वारा। मान लीजिए ये पॉइंट है ए से बी तक, इसमें अगर हमको फ्लो, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो आई करंट मेजर किया जाएगा, आई करंट फ्लो हो रही है, ये एमीटर के थ्रू मेजर किया जाएगा। एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा इतना हो गया। अब अभी तक हमने फार्मूले कितने पढ़े भाई, क्यू इज इक्वल टू एन ई पे हमने न्यूमेरिकल करा दिया था, एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल जो हुए थे, बचा किस पे है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जो कि पोटेंशियल